वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग में हमारा लेक्चर नंबर 6 और एन इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को पहले स्ट्रेच करेंगे और फिर टाइट करेंगे और फिर मोशन को हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। ध्यान से देखिए, ए पार्टिकल इज अटैच्ड इन द मिडिल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग व्हिच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। कहता है पार्टिकल है जिसको हमने स्ट्रेच कर रखा है, स्ट्रेच करके और बांध दिया दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में, और उसके हमने मिडिल पॉइंट पे एक पार्टिकल को बांध दिया। अब ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेच है, तो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। हमारे पास इसकी कोई ना कोई ओरिजिनल लेंथ होगी स्ट्रिंग की, हमने मान ली लेट एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, और इसको जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद मेरे पास इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगी, वो मैंने एक्सटेंशन मान ली एल डैश। तो टोटल मेरे पास जो ये लेंथ है वो क्या बन गई, एल प्लस एल डैश। अब कहता है जो ये पार्टिकल बीच में है, इसको मैंने किसी एक पॉइंट सी तक ले गया और छोड़ दिया। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, मेरा मोशन मूव कर जाएगा। तो मुझे बताना है कि जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मुझे क्या चाहिए, इफेक्टिव फोर्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के अंदर कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, सिर्फ स्ट्रेस एक्ट करता है, तो स्ट्रेस निकालो। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग स्ट्रेच है ऑलरेडी, तो इसके अंदर दो स्ट्रेस लगेंगे, एक पोर्शन लगेगा एओ की वजह से, एक लगेगा हमारे पास ओबी की वजह से। अब देखिए, हमने मान लिया लेट एनी टाइम पी पार्टिकल इज एट पी पोजीशन व्हिच इज हैविंग ए डिस्टेंस एक्स। अब जैसे पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पे है, तो हमारे पास ए पी पोर्शन की वजह से एक स्ट्रेस एक्ट करेगी टी वन, जो इस तरफ लेके जाएगी इसको, और दूसरा हमारे पास पी बी पोर्शन की वजह से स्ट्रेस एक्ट करेगी टी टू, जो इसको इधर खींचेगी। तो हमारे पास टी वन और टी टू की वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज इसको ध्यान समझिए, अगर पार्टिकल यहां तक गया तो नेचुरल लेंथ तो क्या बनेगी मेरी, नेचुरल लेंथ इन द पोर्शन एओ कितनी बनेगी मेरे पास इस पोर्शन की, नेचुरल लेंथ ऑफ पार्ट एओ दिस इज हाफ एल, क्योंकि टोटल लेंथ एल थी, तो आधे पार्ट की नेचुरल लेंथ हाफ एल हो जाएगी। उसके बाद एक्सटेंशन इन द पार्ट ऑफ दिस एओ हाफ एल डैश, इस पार्ट में एक्सटेंशन कितनी होगी, टोटल एल डैश है तो इसकी हाफ एल डैश हो जाएगी। अब आ जाओ पी पॉइंट, तो टी वन स्ट्रेस निकालते हैं, टी वन स्ट्रेस क्या होगी लैम्डा ड्यू टू द पोर्शन ऑफ ए पी चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज होगी, पहले लेंथ थी हाफ एल डैश, उसमें मैंने एक्स और ऐड कर दिया, एक्स और ऐड होते हैं मेरे पास हाफ एल डैश होगी, डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ ऑफ दिस पोर्शन हाफ एल। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, टू एलसीएम ले लो, हमारे पास क्या बन जाएगा लैम्डा एल डैश प्लस टू एक्स डिवाइड बाय एल, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। पी टू सिमिलरली हमारे पास क्या बनेगी लैम्डा सेकेंड पोर्शन की पी बी थी, हमारे पास सेम यही रहेगी हाफ एल डैश ही, लेकिन अब की बार उसमें से एक्स एक्सटेंशन कम हो गई है, तो हाफ एल डैश माइनस एक्स डिवाइड बाय हाफ एल। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल डैश माइनस टू एक्स डिवाइड बाय एल। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमारे को, इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इफेक्टिव फोर्स, उसको हम क्या लिखते थे माइनस टी वन, लेकिन अब टी टू फोर्स उसको वापस उधर लेके जा रहा है, तो मेरे पास ये फोर्स हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, टी वन की वैल्यू क्या है मेरे पास लैम्डा बाय एल, दोनों में से कॉमन ले लू, लैम्डा बाय एल दोनों में से कॉमन आ गया, यहां बच गया एल डैश प्लस टू एक्स, और यहां बच जाएगा मेरे पास माइनस एल डैश प्लस टू एक्स। सिंप्लीफाई कर दूं एल डैश से एल डैश कैंसिल, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई टू एक्स टू एक्स फोर एक्स, तो माइनस फोर लैम्डा एक्स बाय एल। मेरे को तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर निकालना है ना, निकाल लो माइनस फोर लैम्डा बाय एम एल इन टू एक्स विच इज इक्वल टू म्यू एक्स। तो मोशन मेरा कैसा हो गया, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, जहां पर म्यू की वैल्यू क्या हो गई, म्यू की वैल्यू होगी मेरे पास फोर लैम्डा बाय एम एल। अब कहता है फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड, निकाल लो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मोशन क्या होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि हमने इस पार्टिकल को कितना खींचा ओरिएंटल स्ट्रिंग में और छोड़ दिया, तो पार्टिकल सी से आगे तो जाएगा ही नहीं, मेन पोजीशन मेरी ओ है, तो मेरा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा ओ सी, इससे आगे जाएगा ही नहीं। उसके बाद कहता है फाइंड इट्स टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि टू पाई बाय रूट म्यू, तो टू पाई म्यू की वैल्यू आपके पास क्या है फोर लैम्डा बाय एम एल, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको फोर लैम्डा बाय एम एल अंडर द रूट, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें नेचुरल लेंथ
और एक्सटेंशन का ध्यान रखना है। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को